लड़ाई हो रही है पिनर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो हम सब भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सुबह सुबह अब यहाँ पर होने लगा है नाश्ता। सुबह तो नहीं है यहाँ पर, इशाल को स्कूल से लेके आई हैं, तो जोहर की जानों का टाइम होगा तो यहाँ पर कर रहे हैं हम नाश्ता। तो जी शाल मिठू यहाँ से ही आपको मैं अब बताती हूँ, जान हो रही थी इसीलिए फिर हमने जो है ना रोक दी थी बात उधर ही। तो इशाल मिठू ना स्कूल से आती है तो फिर हम दोनों ने ना नाश्ता करना होता है, इसके बाबा जानी ने भी और मैंने भी, और विद इशाल। इशाल यूनिफॉर्म के ऊपर से चाय के निशान नहीं उतरने, और क्या चाहेंगे, चलो आओ। तो आ जाए जी आप भी नाश्ता कर लें, चल कर लो जल्दी। विशाल स्कूल से आ चुकी हुई है। ओ वो गया, चलती हो ना, यूनिफॉर्म से निशान नहीं उतरना, बस ये सोच लेना बात। ये मैं मुंह में डाल लेना, इतना तुम डरा रही हो। तो चलें जी नाश्ता कर लें, तो फिर आगे अब्दुल सलाम प्लीज आते हैं, उन्हें ट्यूशन वगैरह भेजेंगे। ये देख लें डोरेमोन की जो फैमिली है ना वो माशाल्लाह से बढ़ चुकी है। हमने अब कुछ दिनों तक ना डोरेमोन की करनी है शादी। चल झूठा। तो आप सब ने आना शादी आप सब ने शादी पे आना, आप सभी को हमने ना इनवाइट किया, ठीक है? अच्छा, तो डोरेमोन है ना जो वो हमारी है बेटी, अब हमने दूल्हा ढूंढ लिया। दूल्हा भी आपको अंदर ही मौजूद नजर आएगा, ये है ना जो हमने इसको यानी के हुद्दी पाला शाला है कि ये भी काटता शाटता नहीं है, कलरफुल है ना जो ये वाला। तो ये वाली तोती निकल आई है, इसे हम डाल देंगे पिंजरे में। वैसे हमने ये जीनत को देने का सोचा था ये वाली तोती, जीनत की मामा ने बोला है कि नहीं मैं नहीं संभाल सकती तोते छोटे, हमने एक जीनत के लिए निकाला था। तो ये देखें ये माशाल्लाह, ये है ऑरेंज और वो है मैंगो, ये बड़े ही क्यूट बेबी हैं, बहुत क्यूट बेबी हैं ये माशाल्लाह। और ये आपस में करते हैं लड़ाई तो इसीलिए हमने ना इन्हें निकाल के अलहदा किया। तो यहाँ पर देखें दूसरे तोतों के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया हुआ, नीचे एक बड़ा सा लोहे का पीरा रख के उसके ऊपर इनके खाने वाली बाल्टी रखी है, फिर ऊपर ये हीटर रख के, ये वाले जो लव बर्ड्स हैं ना इन्हें जो है ना सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, ये कांप रहे थे, इनमें कुछ लव बर्ड्स ऐसे थे जो कांप रहे थे। तो अब माशाल्लाह से ठीक है, ये सारे अपने देखें डिब्बों में। तो ये अभी ना हम इस तरह से सर्दियों में देख लें, हम गर्मियों में भी आपको मैं दिखाती थी कि हम इनके लिए एयर कूलर वगैरह का इंतज़ाम करते थे और सर्दियों में इनके लिए हीटर इधर लगाया, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमने इस वाले एरिया को ना बंद कर देना, कि ये वाला जो हिस्सा है ना सारा तोतों को हमने दे देना इंशाल्लाह ताला। ये क्या है, ये क्या है भाई? मूंगफली ने फर्स्ट टाइम खिलाने लगे, वैसे तो इन्हें आप वो खिलाते हैं ना जो हम निकली हुई लाते हैं ड्राई रोस्ट होती है सॉल्टी। नहीं ये देखना एक दो डाल इधर, आदत डली हुई है ना हाथ में चीज पकड़ के खाते हैं, अमरूद भी वो अंदर डालो तो नहीं खाते, एक दो दफा कड़क कड़क करेंगे ना फिर उन्हें पता चलेगा। ये देखो खा लो, आपके लिए ये वाली लेके आए हम, तो निकली वाली खाते हैं जो निकल हुई माशाल्लाह। मौज चलो मौज से दिख नहीं, मैं ही से दिख चली जाऊंगी, वो लग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो इसने मुंह पे डाली हुई है, इसका नाम है मैंगो और वो है ऑरेंज। मैंगो के कंधे में ना येलो से निशान है, ये मार्क है, येलो मार्क हुआ है और उसके कंधे में नहीं है, उसके अभी आ रहे हैं। मेरा भी खड़ गया, उसने भी पकड़ लिए उसके मुंह में, तबका लगा हुआ है। ये गलत है ना, नीचे गिरेगा तो फिर उसके चले जाएंगे। आई ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन्होंने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे उन्हें पता होगा कि क्या ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ जो हम फिर ये दोबारा लेके आए हैं। हाँ पहले हम लेके आए थे, अब देखना पुरानी वीडियोस में बड़ी हैवी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। वो चिबली मैंगो खा रहा था
ऑरेंज उससे ले गया, अब मैंगो अपना दोबारा वापस उससे ले रहा है कि दे दे मुझे। लड़ाई हो रही है पीनट के ऊपर। ये देखो वो ले गया उसके मैंगो, ले गया अपना उसके मुंह से निकाल के ले गया। गिरिन से भी जानी है ये, देखनी पकड़ी नहीं ना आ रही अभी उन्हें। रखी मुंह के अंदर ही है इसने ना, घुमा रहा है जुबान के साथ ना वही। उसको भी छील के देना, छान दो इसको भी चीज। A few moments later. तो जब यहाँ पर बच्चे तो ट्यूशन चले गए तो मैं हल्की आग पे इसे रख गई थी कि मेरे आने तक जो है ना एक दो बॉयल आएगा तो फिर मैं आग हल्की करके तो इशाल को पढ़ा लूँगी। तो यहाँ पर अब देखें गजरेला हमारा जो है पकना शुरू हो गया, चावल भी मैंने इसके अंदर डाल गई थी और गाजरें वगैरह सारी मैं भून के इसके अंदर डाल के दूध वगैरह डाल के गई थी। तो गजरेला हमारा पकता रहेगा, अब हम इसे रख देंगे हल्की आग पर। आग करते हैं यहाँ पर हल्की सी और इसे करते हैं कवर। तो ये अब पक जाएगा खुद ही, जब तक ये पकता है तब तक हम इशाल को पढ़ा लेते हैं। तो जनाब अब यहाँ पर मैंने इसे कवर करके रख दिया और इतना सा जो है ना हम इसके अंदर गैप रखेंगे कि ये फिर उबल के बाहर भी नहीं आएगा और ये पकता भी रहेगा। आधा घंटा अब जो है मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी, लेकिन ये है कि अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, डेढ़ दो घंटे के लिए। वक्तन फ़क्तन इसे मैं आके चेक भी करती रहूंगी। तो बस इतना सा ठीक है गैप। A few moments later. जब यहाँ पर डाल देंगे चीनी इसके अंदर, इसे करेंगे मिक्स, चीनी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे खोया। तो मज़ेदार सा गजरेला हमारा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इसकी प्रॉपर रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन अब नहीं मैं कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं कहा जल्दी जल्दी बनाते हैं और खाते हैं। तो जी गजरेला रख के मैं और इशाल तो सो गए थे, हल्की आग पे हमने रख दिया था। तो अब जब हमने चीनी डाली है ना, तो अब हमने गजरेले को ना अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपने इसके साथ साथ रहना है क्योंकि चीनी डालने के बाद है ना जो इसे लगने का इसका जो है ना हदशा होता है। और मैं इसीलिए शाल को अब उठा के तो बाहर ही मैं ले आई थी, मैं कहा इधर ही मेरे पास किचन में बैठ के पढ़ लो, क्योंकि हल्की आग पे हमने जब गजरेले को रखा ना हम पढ़ने तो शुरू हो गए थे, हम पढ़ना तो शुरू हो गए लेकिन पढ़ते पढ़ते ही हमें ऐसी वो क्या कहते हैं कुगी वाली नींद आई, हम सो गए दोनों मामा बीवी। तो अब हम फटाफट बना लेते हैं गजरेले को। लाल मिट्टू मेरे पास ना इधर देखें किचन में ही बैठ के है ना जो पढ़ रहा, ये अच्छा बच्चा हो गया हुआ है, ये कहीं पे भी मेरे पास बैठ के ना पढ़ लेता है ना मिट्टू। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे खोया, खोए को हम सारा अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि मेल्ट करना है इसको, इसकी जो ये डेलियाँ सी हैं ना इन सबको हमने इस तरह करके मैश करते जाना है। मौसम आपको अगर मैं बाहर का दिखाऊँ ना, इस वक्त मौसम बारिश वाला हो गया, सुबह थी इतनी कड़ाकेदार धूप लगी हुई थी ना माशाल्लाह, और अब मौसम बारिश वाला हो गया। तो जी देखें बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है और इशाल है ना जो पड़ती पड़ती किचन से ही इधर ही बैठी हुई थी, बाहर निकल आई है। अब चलो अंदर ना मिट्टू, आ जाओ चलो अच्छे टाइम पे बाज और भाई चले गए। और जी ये सर्दियों की पहली बारिश है ना जो लाहौर में वो होने लगी है, और हमारा गजरेला भी है बनने वाला है। तोतों को तो मैंने कवर कर दिया, लेकिन अब ये है कि इनके अंडे शंडे ना गीले हो जाए, ये भी मसला है। अब अल्लाह की सुर्तियाँ, अल्लाह ताला जी देख लियो ना, उसको मैं बंद करती हूँ आके। चलो अंदर अपनी चीज़ें भी पकड़ो जैसे सारी जल्दी करो। ये देखे ये आए हैं शॉप से अभी, और ये देखे इनसे मिलने का तरीका देखे जरा, ये बिठुआ हो रहे हैं देखो, वाह जी वाह बिठुआ हो गए।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बस बस गद्दू, बस नहीं, बस नहीं, कच्ची हो गई है अब इनसे मैस नहीं आती, गुड हो गए बेबी, मेरी जानू है, मेरी जानू है, माशाल्लाह मेरी जानू, मेरी जानू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चुनिया मैंगो ऑरेंज ऑरेंज है, ऑरेंज का बच्चा हो गया भाई, पीनट खाए हैं इन्होंने, पीनट खाते हैं, पीनट खाते हैं, सुबह डाले थे ना जो, हैंड शेक करो, हैंड शेक करो, हैंड शेक करो, हैंड शेक इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप आपका राइट हैंड किधर है, ये शेकन करो, शेकन करो, शेकन करो, शेकन करो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, इसी के साथ ही आज का व्लॉग है जो वो करते हैं ये पर, तो आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, ओके जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।